सुबह हो चुकी है जी, सहन के झाड़ू भी दे दी गई है माशाल्लाह। सहन साफ सुथरा हो चुका है और यहाँ पर सफाई करने के बाद कूड़ा कूड़ेदान में डाल लिया गया है। अब क्या करने लगी हैं? ये जो कूड़ा है ना, ये मैं बाहर गिराने जा रही हूँ। चलें ठीक है, दरवाजा खोल दें, मैंने बाइक निकाली। और जो जारा है सुबह सुबह लग गई है, फ्रिज साफ हो रहे हैं। हाँ जी, चले माशाल्लाह, क्योंकि फ्रिज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ऊपर से देखते हैं, ऊपर से तो यहाँ पे तो बर्फ जमी हुई है ना। हाँ जी, वो ना जामे चली गई गया था रात फ्रिज में। अच्छा, तो मैं कहा चलो यहाँ से ना सफाई कर देते हैं फ्रिज के। चलिए ठीक है। और जी नमाज़े असर का टाइम हुआ चाहता है और सुगरा सिस्टर जो है ठंडी ठार रेसिपी बना रही है। मुझे लगता है टिंडिया है। आप टिंडिया बना रही है? बस दिल से नहीं बना रही है, अच्छी लग रही मुझे। क्यों, टिंडिया इतनी अच्छी होती है माशाल्लाह, ठंडी ठार दिल बहार और मसाला जात काट के रख लिया गया है रेसिपी के लिए। ये टिंडिया बहुत ठंडी होती हैं, रोजा खोलने के बाद ही तो आपको फायदा मिलेगा इससे। दिल नहीं कर रहा खाने को। क्यों, दिल क्यों नहीं कर रहा खाने को? बस तबीयत नहीं सही है ना, वैसे दिल नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, पेट में दर्द है। चलें ठीक हो जाएगा रोजा खोलने के बाद। और यहाँ पर महवेश बेटी जी है, अपने बर्तन वगैरह धो रही है। शाम के, सुबह के हैं ये, शाम के हैं ये? शाम के, शाम के हैं ये? कौन से शाम के बर्तन है? वो दोपहर का रोटी खाते ना बच्चे स्कूल के आके, स्कूल से आके। अच्छा अच्छा, तो वो धो रही हैं। चलें ठीक हो गया, अजानें आ रही हैं, कैमरे को ऑफ करते हैं फिलहाल, आप अपने बर्तन धो लें। अफ्तारी के लिए जी शरबत बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा रहा है। और यहाँ पे जी बनाया है जारा ने, मेरा फेवरेट शरबत है ये वाला। अंदर ही मलाई है, क्या चीज़ है ये? जामे श्री वाला दूध बनाया है। अच्छा अच्छा, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, इसके अंदर भी मलाई है। हाँ जी, मलाई वाला दूध था ना, तो फिर मैंने मलाई वाले दूध को बना दिया। हाँ जी, इसका जी नाम रखा हुआ है मोहब्बत शरबत, ये रूह अफजा बनाया है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, जामे श्री वाला दूध, ये रूह अफजा, ये रूह अफजा बना लिया है अफतारी के लिए। और यहाँ पर जो है पकौड़ों के लिए जो है मटीरियल काट के रख लिया है। इसके नीचे मुझे लगता है आलू वगैरह है। और जो चावल है ये भिगो के रख लिए है। और अफ्तारी के टाइम इंशाल्लाह ताला जो है ना ये काम आ जाएंगे। दालें ज़रूरत थी क्योंकि दाल चावल बनाने लगी हैं ना आप? हाँ जी, दाल चावल बनाने। हाँ जी, दाल चावल बनाने लगी हैं तो इसलिए दाल की ज़रूरत थी। दाल भाकर मैं लेकर आया हूँ, मैंने कहा चलें बना लें। और हमारे साथ जब से हमने रोज़े रखे हैं माशाल्लाह रोज़े अच्छे जा रहे थे, देर सवेर हो ही जाती थी। हाँ जी, कोशिश यही होती थी कि बस एक लुकमा दो लुकमा खा ही लें, क्योंकि देर सवेर से सोना उठना उसकी वजह से ना देर सवेर हो जाती थी। लेकिन आज बहुत ही 27वीं की रात थी और इतना अहम दिन था और हमारे साथ बहुत बड़ा ना समझें, वो हुआ क्या हम आपको बताते हैं ना। हुआ ये है कि जैसे ही हम सोने लगे ना, तकरीबन एक बजे के टाइम में लगा सोने, तो एकदम से आंधी और बारिश आई है जिसकी वजह से बाहर आना पड़ा है। यहाँ पे सालन वगैरह पड़ा था, सामान वगैरह पड़ा था, रोटी वगैरह पड़ी थी, वो उठा के अंदर रखनी पड़ी है। फिर ये छप्पर एकदम हाला है जिसकी वजह से एकदम डर गए हैं, उठ के बैठ गए हैं। तो तकरीबन 2 बजे जाके फिर मैं जाके सोया हूँ। 2 बजे से सोया हूँ, मैंने कहा भाई अलार्म लगा देता हूँ भाई ताकि उठ जाएँ। लेकिन 2 बजे का अलार्म लगाने के बाद भी हमारी आँख नहीं खुली। हमारी जाके आँख खुली है तकरीबन 5 बजे के बाद बाद ही। ज़ारा ने आके बताया जी रोज़ा जो है टाइम ख़त्म हो गया है और आज का रोज़ा रह गया। जैसे ही ये मेरे कानों तक बात पहुँची, मैंने तो भाई उसी टाइम ही उठकर जो है ना दुआ मांग लिया, क्योंकि नीयत तो होती है सुबह। हाँ जी, रख के, यानी कि नीयत रख के ही सोती हैं, नीयत तो होती है। बाकी जो रोज़ा है रुखी सूखी रोज़ा हमने रख लिया, पता नहीं अभी अल्लाह पाक बेहतर जानता है ये रोज़ा होता है कि नहीं होता। कोई कहता है होता है, कोई कहते हैं नहीं होता। होता है रोज़ा, वो कहते हैं हम अगर रात के नियत करके सोते हैं ना तो हमारी आंख अगर नहीं खुलती तो वो सुबह को उठ के ना नियत कर सकते हैं रोजे की। पता नहीं, अब अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। हाँ जी, अब क्या करने लगी हैं आप? दाल को मैंने अच्छे तरीके से साफ करके इसको धो लिया है और प्याज हरी मिर्ची मैंने काट ली है। अब इसमें डालना शुरू करें मसाला जात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्दी डाली जा रही है, लाल मिर्च दादर है, ये दूसरी है, पिसा हुआ धनिया डाला है और ये पिसी हुई मिर्च है और ये है दादर मिर्च। चलें ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफतारी, क्योंकि हमें अफतारी के टाइम तो ये जरूरत नहीं पड़नी ये चीजें। हाँ जी, मैंने कहा ये जो चावल है ना, चावल को पका के ना दम में इधर लगा दूंगी सिलेंडर पे, तो इधर पकौड़ों का वो भाई इंतजाम कर लूंगी। दाल फिर मैं सारा कुछ डाल के ना जैसे पकौड़े मैं बना लूंगी ना, फिर प्रेशर कुकर ऊपर रख दूंगी। चलें ठीक है। मासूम फातिमा अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? सो के हो? ठीक नहीं हो? क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है? इधर आओ प्यारे,
आप कैसे हो? सलाम करो, मुंह से करो। हाँ फूफा ठीक है, आप ठीक हैं? रोजा है आज आपका? रोजा है माशाल्लाह। कितना रोजे हैं? तीन रोजे माशाल्लाह मेरे प्यारे। आपका रोजा है? आपको तो आंखें आई हुई। आपका कितना रोजा है? आपको कितना रोजा है? हैं तीन, आपके भी तीन है। चलो माशाल्लाह, दोनों बहन भाइयों के तीन रोजे हैं। आपका भी तीन है ना? आंखें आई हुई हैं इसकी। चलें ठीक है, आप इसको कवर करती हैं। कवर करें ठीक है। मैंने क्या लेके आना है? आपने तरबूज। हाँ जी। और गर्मा अगर देखना, अगर शहतूत मिले तो शहतूत मिलेगा। ठीक है। बाजार से जी मैं आया हूँ, बहुत बड़ा हदवाना माशाल्लाह मिला है, सस्ते में मिल गया है। कितने का होगा जारा, चल बताएं अंदाजा। माशाल्लाह से बहुत बड़ा है। खोलें ना शॉपर, खोलें, मारें छुरी इस पे शॉपर पे, और बताएं अंदाजा कितने का। 100 का। चलें ठीक है, अब जारा से पूछते हैं। जारा आप बताएं। मुझे 150 का। चलें आप कुछ नजदीक पहुंच गए हैं, आप तो बिल्कुल ही दूर हैं, बहुत दूर हैं। बस नेड़े तेड़े ये बता देता हूँ अभी, और गर्मा भी लेकर आया हूँ। ये गर्मा आ गया है और दाल की खुशबू माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। मैं गया था बाज़ार गर्मा लेने, और भाई खुरम जो है उनकी कॉल आई कि मैं अड्डे पे आया हूँ। पहले तो मैं बड़ा नाराज़ हो रहा था, भाई आप आ जाते, अगर नंबर बंद था तो मैं सोया पड़ा था ना, तो फिर कहने लगे बस मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप अपना काम करें, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चलें अल्लाह खैर करता। फिर मैं यहाँ से निकला हूँ तो वो मोटरसाइकिल जो है वो पंचर हो गई, शरीफ आदमी। तो जब मैं असलम मोड़ पे पहुंचा, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा भाई आप किधर हैं? कहने लगा मैं तब चौक आजम पहुंच गया हूँ। अच्छा। मैंने कहा चलो नसीब की बात नहीं था, नसीब में मिलना। देखो कैसा है जवान, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नहीं, अंदर से देखें लाल है कि नहीं है। सही है। फिर हाँ जी, फिर भाई कहने लगे बस आप जाओ घर सामान लेकर, अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है। मैंने कहा चलो मिल लेता उधर से ही, मैं वो सामान भी ले लेता, भाई जान को मिल भी लेता, लेकिन नहीं था नसीब में मिलना। हदवाना ठीक है माशाल्लाह। आधा रखना है या सारे काटना है? नहीं आधा काटेंगे, आधा फ्रिज में रख देंगे। चलें ठीक हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और दाल मैंने कर ली थी प्याज। अच्छा, मैंने कहा था ना भाई वो पकौड़े वगैरह बनाते फिर बाद में रखेंगे, तब मैंने बना ली है। पकोड़े बना लिए? नहीं पकोड़े गए, मैंने थोड़े से बनाने हैं, मैंने कहा ये प्लेट में ना बना के थोड़े से रख लेंगे पकोड़े। चलें ठीक हो गया। वो रहता नहीं था, मैंने कहा अगर आप समोसा लेके आएंगे ना तो समोसा के साथ रहता मिल जाएगा, उसी के साथ वो कर लेंगे। चलें ठीक है, कहते हैं तो मैं जाके दही भी ले आता हूँ, पकोड़े वो साथ में समोसे भी ले आता हूँ। समोसा के साथ रहता मिलता है ना, जो घर का आपका बना हुआ रहता होता है ना, उसका अपना मजा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा 27वें रोजे की जो अफ्तारी का सामान है वो लगा दिया गया है। अब जी कुछ ही टाइम बाकी रहता है, उसके बाद जो है अफ्तारी जैसे हमारी होती है, सारन बजता है हमारे इलाके में यहाँ पर, फिर उसके बाद पता चल जाता है कि हमारा रोजा जो है खोल दिया गया है। अब दुआ मांग के रोजा खोल लेते हैं। और हमारे बहन भाई जो कहते हैं कि भाई आप इसमें से ये समोसों में से पकोड़ों में से अपनी बहनों को भी पुचवा दिया करें, आप अकेले अकेले खाते रहते हैं। प्यारे बहन भाइयों, नसीब नसीब की बात होती है। बहरहाल मैं इस बात पे किसी को जवाब नहीं देना चाहता, जिन बहन भाइयों ने ये बात की है मैं उनके लिए हमेशा दुआ करूंगा, अल्लाह पाक आपके लिए सानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक आपके दस्तरखान रिस्क जान माल में बरकतें अता फरमाए। ये हर किसी का अपना फैमिली मसला होता है, फैमिली मसले होते हैं। अब देखें ना यहाँ पे ये दस्तरखान लगा हुआ, ये मेरे नसीब का है, ये मेरा नसीब है, मुझे अल्लाह पाक ने दिया, मैं खा रहा हूँ। और ये खा क्यों रहा हूँ? ये मेरी बहनों की दुआ है तो इसलिए मैं खा रहा हूँ, ये मेरी बहनों की दुआएं मुझे लगती हैं तो मुझे अल्लाह पाक दे रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना दस्तरखान पर ये चीज़ें ले आता हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह पाक ने ये हमारे नसीब में लिखा हुआ जो है हमें दे रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन वाला आली सैयदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक, आज का हमारा रोज़ा सहरी तो नहीं कर सका मैं, जिन बहन भाइयों ने की है सहरी, अगर गलती कोताही हो गई हो हमारी अफ्तारी, अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक, खुसूसन बिलखसूस आज हम सहरी नहीं कर सके, अब ये नहीं पता कि हमारा रोज़ा कबूल होता है नहीं होता, बस नियत कर ली है अपनी बारगाह में हमारा रोज़ा कबूल फरमा ले, और जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमा।
जो कर्जदार हैं कर्ज से खुलासी अता फरमा, जो बीमार हैं शिफाए कामला अता फरमा, जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हैं माह रमज़ान में बहुत ही प्यारा माशाल्लाह मेरे साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर हाथ से हाथ मिलाकर अपने भाई सदीक का साथ दिया है, बहन भाइयों ने माओं ने, अल्लाह पाक उनके सबके कारोबार रिस्क जान माल में बरकत अता फरमा, और जो भाइयों ने हमारा साथ दिया है अल्लाह पाक उनके कारोबार में रिस्क में जान में बरकत अता फरमा, घर में बरकतों का नजूल अता फरमा, परेशानियों से दूर आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे मौला करम फरमा रहम फरमा, बस आखिरी दुआ आज की 27वें रमज़ान की 27वें रोज़े की बहुत बड़ी दुआ, जो बीमार हैं अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमा, जो बेघर हैं उनको अपना घर अता कर मेरे मौला, बेशक झोपड़ी हो झोपड़ी डालकर बैठ जाएं अपना घर अता कर मेरे मौला, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं, मैं तो गुनाहगार था दानिस्ता भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे आका ने मुझे रुसवा ना किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।